हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो कुछ देर पहले मैं गया था मेरे गुरुजी के घर पे, यानी कि मेरे सर के घर पे, जिनके पास मैं पहले ड्राइंग सीखता था। क्लास सिक्स से मैं सेवन तक उनके पास ड्राइंग सीखा था। सेवन या फिर एट तक मैं ड्राइंग सीखा था, नेचर वगैरह, जैसे कि बच्चे लोग ड्राइंग सीखता है, बिगिनर्स लोग, सेम तरीके से। पोर्ट्रेट नहीं, तब पोर्ट्रेट के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। पोर्ट्रेट नहीं, नॉर्मल सिंपल नेचर ड्राइंग, घर बारे, ऐसा करके ड्राइंग सीखने गया था, सीखता था उनके पास। उसके बाद अचानक से मैं पूरा ड्राइंग छोड़ दिया था, ड्राइंग लेके नहीं बैठता था। देन सडनली मैं 2018 से ड्राइंग करना फिर से स्टार्ट किया। 2019 पे मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया, ऐसा करके अभी ड्राइंग करता हूँ बहुत। पहले छोड़ दिया था एक टाइम पे, तो सडनली मैं कल एक्रिलिक कलर और कैनवास, छोटा वाला 10x12 का कैनवास परचेस करके लाया हूँ, और इसके ऊपर एक वीडियो किया था ब्लॉग वाले चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। तो परचेस करके लाया हूँ, बट कैनवास के ऊपर एक्रिलिक कलर से ड्राइंग का कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने सोचा चलो उनके पास जाते हैं, उनसे थोड़ा सजेशन लेते हैं। तो उन्होंने ही एक पेंटिंग किया है, उसके ऊपर ही आज का वीडियो है। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा वाला काम है उनका, और उनका ड्राइंग कितना अच्छे से हुआ है आप लोग देखिए। करीबन 2.5 साल बाद उन्होंने फिर से ड्राइंग में हाथ दिया, क्योंकि उन्होंने भी ड्राइंग कैनवास के ऊपर छोड़ दिया था। नॉर्मल बच्चे लोगों को क्लास कराता है अब, और दूसरा काम करता है। तो अब जो ड्राइंग आप देखेंगे वो उनका ड्राइंग है। मैं नॉर्मली फ़ोन लेके गया था और उतना अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। जैसा भी हुआ है मैं एक वीडियो किया हूँ, आप देखिए, ड्राइंग को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों को ड्राइंग कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग मुझको कमेंट पे बोलना। तो देखिए वीडियो, तो ये वाला ड्राइंग चाचा पूरा मन से किया है, और अगर आपको इसका रियल टाइम वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझको कमेंट पे बोल सकते हो, मैं रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बहुत ही हल्का करके चाचा ने नॉर्मल तरीके से पेंसिल को यूज़ करके हल्का करके पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। आउटलाइन देख के उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आप लोग ड्राइंग देखिए लास्ट फिनिशिंग लुक कैसा आता है। तो मुझे पता चला यहाँ पर आके कि एक्रिलिक कलर से ड्राइंग करने टाइम आपको ऐसा करके ब्रश चाहिए। इससे पहले तो मेरा कोई आइडिया नहीं था, और ऐसा करके ब्रश से मैं कभी भी ड्राइंग भी नहीं किया था। और ये वाला ब्रश काफ़ी ज़्यादा मोटा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सर जी बहुत बड़े बड़े कैनवास के ऊपर ऐसा करके ब्रश से ड्राइंग करता है। और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रश है, 18 नंबर का, बाप रे। तो यहाँ पर सर जी का भी ब्रश है और मेरा भी ब्रश है। सर जी का ब्रश का साइज है 18 नंबर का, सोनी कंपनी का, और मेरा है नॉर्मल 12 नंबर का। देखिए कितना बड़ा है, इसलिए सैड सैड ही होता है। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, और आसमान मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सर अभी कपड़ा लाने गया है, तो फाइनल लुक देखते हैं कैसा लगता है। पहाड़ों में मेरा हिया बसी गए हाँ, पहाड़ों में मेरा हिया बसी गे हाँ। टेढ़े मेढ़े रस्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में दगड़ियों संग दौड़े चले, टेढ़े मेढ़े रस्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में दगड़ियों संग दौड़े चले। सालू के कांटों को भूल कर हाथों से मुट्ठी में भर ले चले, पहाड़ों में मेरा हिया बसी गए हाँ, पहाड़ों में मेरा हिया बसी गए हाँ।
थक जाते और पानी हम लाते थे, प्यास तब बुझती वही नौले तक जाते और पानी हम लाते थे, प्यास तब बुझती वही अन्यार से पहले ही लौट हम आते थे, बाघ ना हर ले कहीं ओए जा बाघ से मैं के डर लगी पहाड़ों में मेरा हिया बसी गए शहर में वो बात निछी जोगों की मिट्टी में शहर में वो बात निछी जोगों की मिट्टी में फिर क्यों ना बसे यही ये स्वर्ग सी भूमि देवता बसते जहां पहाड़ों में मेरा हिया बसीगे हिया बसीगे हिया बसीगे पहाड़ों में मेरा 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 हिया बसीगे टेढ़े मेढ़े रस्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में दगड़ियों संग दौड़े चले टेढ़े मेढ़े रस्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में दगड़ियों संग दौड़े चले हिसालू के कांटों को भूल कर हाथों से मुट्ठी में भर ले चले पहाड़ों में मेरा हिया बसीगे पहाड़ों में मेरा हिया बसीगे जाते और पानी हम लाते थे प्यास तब बुझती वही जो बच्चा लोग को ड्राइंग आता है जैसे वाटर कलर का उसी पद्धति पर है एक क्लिक कोई बड़ा बात नहीं है वाटर के जो वाटर कलर संपूर्ण भाव कर लेगा वो एक क्लिक कलर भी कर लेगा एक क्लिक का क्या है इसमें हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है वाटर कलर में थोड़ा समय लेके करना पड़ता है पानी उसमें ज़्यादा यूज होता है इसमें पानी कम यूज होता है बस यही बात है और इम्प्रूवमेंट की कोड़ा होगा धीरे धीरे ड्राइंग का इम्प्रूवमेंट जो वाटर कलर जो जिसको आता है बढ़िया से वही बढ़िया कर पाएगा वाटर ड्राइंगटा करते कत टाइम लगे टाइम कितना लगेगा अगर बेस बढ़िया रहेगा तो आधा से 30 से 40 मिनट में हो जाएगा साइज है किस साइज साइज 12 इंच बाई 10 इंच शायद यही है और तुम्हारा वाटर मैंने कत दिन एक्सपीरियंस ड्राइंग है ड्राइंग का कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है ठीक है जी थैंक यू काका तो मैं अभी चाचा को बोला हूँ कि चाचा भी एक यूट्यूब चैनल ओपन करे तो अगर आप लोगों को चाचा का ड्राइंग देखना है बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पे बोलना चाचा भी बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल ओपन कर लेगा और मैं आप लोगों को बोल दूंगा ठीक है पढ़वे तो बोलो पढ़वे बोलो ठीक है स्टार्ट भी करेंगे तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए और मैं
मेरे गुरुजी यानी कि मेरे सर के पास किया था। इसका एक ही कारण है क्योंकि मुझे थोड़ा नॉलेज चाहिए था एक्रिलिक कलर के ऊपर ड्राइंग का और कैनवास के ऊपर थोड़ा वगैरह, तो इसलिए मैं गया था उनके पास और उनसे एक ड्राइंग भी हो गया और यही है। और अगर आप लोगों को उनका भी ड्राइंग देखना है तो प्लीज़ आप लोग मुझको कमेंट पे बोल सकते हो, मैं उनको बोल दूंगा चैनल ओपन करने के लिए, मैं दिखा दूंगा कैसे करके वगैरह वगैरह ओपन करना होगा। और मैं मेरा वीडियो पे आप लोगों को बोल दूंगा अगर उनका चैनल ओपन हो गया तो, आप लोगों को मैं बोल दूंगा कि उनका चैनल ओपन हो गया है, आप लोग जा सकते हो वाले चैनल पे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना उनके लिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अब से एक्रिलिक कलर से भी ड्राइंग आएगा, पोर्ट्रेट ड्राइंग वगैरह वगैरह सब कुछ ड्राइंग आएगा। थोड़ा नॉलेज मिल गया, अभी मैं ट्राई करूँगा जितना हो पाए एक्रिलिक कलर से ही मैं ड्राइंग करूँगा, तो यही है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी सब्सक्राइब कीजिए, पहले जाइए चैनल पर दो तीन वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो ही कीजिए वरना डिसलाइक करके गाली देके कमेंट पे देन जाइए, ठीक है। तो बाय, देखा होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। और कोरोना का टाइम, अभी तो कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि हर जगह सुन रहा हूँ कोरोना कोरोना कोरोना, और तबीयत अगर थोड़ा भी ख़राब लग रहा है तो डर लग रहा है। तो आप लोग ध्यान से रहना, सेफली रहना और ज़्यादा बाहर मत जाना, मेरे लिए भी थोड़ा दुआ करना, मुझे मरना नहीं है कम उम्र में। बाय।